गुड इवनिंग इंडिया, वेलकम टू धर्म स्टडी, संकल्प हमारा भविष्य आपका। के आज के महत्वपूर्ण एपिसोड में आज आप देखेंगे हृदय और तंत्रिका से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके पहले मैंने लाइव क्लास के माध्यम से आप लोगों को बहुत सारी जानकारी दिया, तो ध्यान दीजिएगा। उसी तरीके से आज के एपिसोड में भी आप हृदय और तंत्रिका देख सकते हैं। हृदय तंत्रिका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण नॉलेजेबल प्रश्न इसमें समाहित किए गए हैं। इसमें मैं प्रश्नों को डिस्क्राइब करके बताऊंगा, शॉर्ट में नहीं रहेगा, इसमें डिस्क्राइब करके बताऊंगा। काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो होगी। इसका पीडीएफ भी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं मात्र 20 रुपये में। कितने रुपये में? मात्र 20 रुपये में आप लोग प्राप्त कर सकते हैं, जिसका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप लोग नंबर के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक टेलीग्राम इंस्टाग्राम के माध्यम से भी आप लोग संपर्क कर सकते हैं, सभी को फॉलो कर सकते हैं। मात्र 20 रुपये में दिया जा रहा है ये पीडीएफ, इसका पीडीएफ आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ और भी महत्वपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण न्यूज संबंधित पॉलिटेक्निक सभी प्रकार की जानकारी आप यदि आप पीडीएफ लेते हैं पेड तो आपको दी जाएगी। परीक्षा संबंधी में किस प्रकार से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। परीक्षा में किस तरीके से आपको जाना है, किस तरीके से उसमें जाने के आधार पर किस तरीके का संयम बरतना है, किसके आधार पर आपको पेपर में तैयारी करना है, ये सभी बातें आप लोगों को बताई जाएंगी। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्रश्न पहला प्रश्न आ रहा है। पहला प्रश्न है, सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग कितना होता है? पहला प्रश्न है हृदय और तंत्रिका से, सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन कितना होता है? तो ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न का उत्तर होगा 300 ग्राम, 300 ग्राम होगा। तो बात आती है सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन 300 ग्राम होता है, और इसके आगे पीछे भी हो सकता है। नेक्स्ट, हृदय वंचित है किस? पहला ऑप्शन हृदय पेशी से, दूसरा ऑप्शन अनैच्छिक पेशी से, तीसरा ऑप्शन ऐच्छिक पेशी से, डी ऑप्शन है चिकनी पेशी से। तो ध्यान दीजिएगा, आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऐच्छिक पेशी। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें ध्यान दीजिएगा सभी लोग, हृदय पेशी कहाँ पाई जाती है? हृदय पेशी पाई जाती है हृदय में। कहाँ पाई जाती है? हृदय पेशी हृदय में पाई जाती है, और जो कि अनैच्छिक पेशियाँ हैं। हृदय पेशी कैसी पेशी है? अनैच्छिक पेशी। जबकि हृदय में ऐच्छिक पेशियों का अभाव रहता है। प्रश्न पूछता है हृदय में किस प्रकार की पेशियों का अभाव रहता है? ऐच्छिक पेशियों का। ऐच्छिक पेशियों का क्या होता है? अभाव होता है। ऐच्छिक पेशियों का अभाव होता है, बाकी सभी प्रकार की पेशियों का क्या होता है, अर्थात अनैच्छिक पेशियों का क्या होता है, उसमें प्रभाव होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ऐच्छिक पेशियाँ अस्थियों के साथ जुड़ी रहती हैं, जो इच्छा शक्ति के नियंत्रण में होती हैं। ध्यान दीजिएगा, आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा सी ऑप्शन, ऐच्छिक पेशी में वंचित मतलब नहीं रहती हैं। तो आपका अनैच्छिक पेशी अगर वंचित नहीं कहता हृदय में होती हैं तो अनैच्छिक पेशी, वंचित रहती हैं तो ऐच्छिक पेशी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। वीडियो खूब सारा प्यार दीजिएगा, खूब शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को। ध्यान दीजिएगा, रूमेटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? ये ऑप्शन है एस्पिरिन, ध्यान दीजिएगा, बी ऑप्शन है स्ट्रेप्टोमाइसिन, सी ऑप्शन है मेथिल डोपा, डी ऑप्शन है पेंसिलिन। तो ध्यान दीजिएगा, ए ऑप्शन आपका सही होगा एस्पिरिन। एस्पिरिन आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। एस्पिरिन की मदद से रूमेटिक हृदय रोग का इलाज किया जाता है, रूमेटिक हृदय रोग का इलाज किया जाता है। नेक्स्ट, स्वस्थ हृदय के लिए व्यक्ति को लेना चाहिए संतुलित आहार, पर्याप्त निद्रा और क्या? तो आपका सी ऑप्शन सही होगा। क्या लेना चाहिए? सही मात्रा में शारीरिक व्यायाम करना चाहिए, पहला, दूसरा और डी ऑप्शन गलत होगा। ध्यान दीजिएगा, स्वस्थ हृदय के लिए व्यक्ति को संतुलित आहार, पर्याप्त निद्रा लेना चाहिए और सही मात्रा में शारीरिक व्यायाम करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, वयस्क व्यक्ति को की धड़कन हृदय धड़कन कितनी होती है? प्रति मिनट 50-60 बार पहला ऑप्शन इसमें है, दूसरा ऑप्शन है प्रति घंटा 70 से 80 बार, सी ऑप्शन है प्रति सेकेंड 70 से 80 बार, डी ऑप्शन प्रति मिनट 70 से 90 बार। तो ध्यान दीजिएगा, आपका डी ऑप्शन प्रति मिनट 70 से 80 बार।
प्रति मिनट 70 से 80 बार आपका डी ऑप्शन आपका सही होगा। 70 से इसमें 80 बार आपका ध्यान दीजिएगा, आपका 70 से 80 बार आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। कौन सा सही होगा? 70 से 80 ऑप्शन आपका सही होगा, 70 से 80 बार। तो ध्यान दीजिएगा सी ऑप्शन आपका सही होगा। हृदय के संकुचन, साइटोल जिसे कहते हैं, शिथिलन, डिस्टोल को सम्मिलित रूप से हृदय की धड़कन कहते हैं। शिथिलन और संकुचन को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? धड़कन कहते हैं। एक ओएक्स व्यक्ति का हृदय समान अवस्था में 72 बार प्रति मिनट धड़कता है, भ्रूण की अवस्था में 150 बार प्रति मिनट धड़कता है। अगर भ्रूण की अवस्था में है तो 150 बार, अर्थात गर्भ में शिशु का 150 बार। प्रश्न एक्स्ट्रा आप लोग जो जान सकते हैं। नेक्स्ट, हृदय हार्ट की मरमर निम्नलिखित में किस कारण होती है? ए ऑप्शन है निष्क्रिय प्रकोष्ठ, बी ऑप्शन है वेओन वाल्व, सी ऑप्शन कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, डी ऑप्शन है लघु महाधमनी। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा चेवन वाल्व। चा है इसको चा पढ़िएगा, चा या वा न चेवन वाल्व, बी ऑप्शन आपका सही होगा। हृदय की मरमर किस चा या वा न चयन वाल्व के कारण होती है? हृदय की वाल्व में समस्या, जैसे कौन समस्या होती है? वाल्व का संकुचन होना, लीक होना आदि होने से मरमरिंग होती है। नेक्स्ट, दिल की फुसफुसाहट मरमर से क्या पता चलता है? दोषपूर्ण कपाट वाल्व, बी ऑप्शन है ऑक्सीजन कमी, सी ऑप्शन दिल का विस्थापन, डी ऑप्शन मांसपेशियों का अनियमित विकास। तो ध्यान दीजिएगा आपका ए ऑप्शन सही होगा। दिल की फुसफुसाहट से क्या पता चलता है? दोषपूर्ण कपाट, बिल्कुल सही उत्तर होगा वाल्व, दोषपूर्ण कपाट या वाल्व। नेक्स्ट, हृदय काम करता है ऊतकों का ऑक्सीजन पहुंचाना, बी ऊतकों में से कार्बन डाइऑक्साइड ले जाना, सी ऑप्शन अपशिष्ट द्रव्यों का उत्सर्जन, डी ऑप्शन रुधिर का शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। तो ध्यान दीजिएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में आपका डी ऑप्शन, रुधिर को विभिन्न शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना, डी ऑप्शन आपका सही होगा। हृदय का काम रुधिर को विभिन्न अंगों में पंप करना होता है। रक्त प्रसंस्करण की खोज किसने की थी? इसी से रिलेटेड है, 1628 ईस्वी में रक्त प्रसंस्करण की खोज की गई थी। किसके द्वारा? विलियम हार्वे। किसके द्वारा? विलियम हार्वे के द्वारा। विलियम हार्वे के द्वारा 1628 में रक्त प्रसंस्करण की खोज की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, टॉप 30 प्रश्नों को समाहित किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, कौन सी सिरा फेफड़ों में हृदय में शुद्ध रक्त लाती है? तो ध्यान दीजिएगा, आपका बिल्कुल सही होगा फुसफुस सिरा, फुफ्फुस, बी ऑप्शन आपका सही होगा फुफ्फुस सिरा, बी ऑप्शन आपका सही होगा। कौन सा सिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है? फुफ्फुस सिरा। तो ध्यान दीजिएगा, फुफ्फुस सिरा फेफड़ों से हृदय के बाएं भाग में शुद्ध रक्त लाती है। हृदय किस भाग में, प्रश्न पूछा जा सकता है? हृदय के बाएं भाग में रक्त लाती है, ये हमेशा इम्पोर्टेंट, फुफ्फुस सिरा। अर्थात शुद्ध रक्त किस साइड से आता? बाएं भाग, हृदय के बाएं तरफ से। प्रश्न एक और आप लोग नोट कर सकते हैं, बाएं। नेक्स्ट, मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं? तो मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं? 4 वाल्व होते हैं, सही कर लीजिएगा। मानव हृदय में दाएं तरफ जो है आलिंद एवं निलय के बीच त्रिवलिनी कपाट, ध्यान दीजिएगा कौन से कपाट? त्रिवलिनी कपाट,
त्रिवलनी कपाट एवं बाएं बाएं आलिंद एवं बाएं निलय के बीच द्विवलनी ठीक ना, द्विवलनी कपाट होता है। इसके अलावा पल्स मोनरी और आर्टिक वाल भी पाए जाते हैं। इसके अलावा कौन सा, पल्स मोनरी और आर्टिक, कौन सा, आर्टिक वाल्व, पल्समोनरी या आर्टिक वाल्व, ये भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट चार वाल्व हो गए, नाम नोट कर सकते हैं। पहला के मैंने यहाँ बताया त्रिवलनी पहला हो गया, द्विवलनी और पल्समोनरी तीसरा हो गया, और आपका चौथा हो गया आर्टिक वाल्व। तो कितने वाल्व है, त्रिवलनी और पल्समोनरी और आर्टिक, तो आपका चार यहाँ वाल्व हो गए, नाम उसको आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। निम्न में किसको हृदय का प्रारंभिक, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ध्यान दीजिएगा इम्पोर्टेंट है, प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है। हृदय का किसको प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है, भा है, ध्यान दीजिएगा। प्रारंभिक किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा ए ऑप्शन एस ए नोड को कहा जाता है। गत प्रेरक या पेसमेकर हृदय से संबंधित है। हृदय चार भागों में विभाजित किया गया है, किसमें, आर ए में, एल ए में, और आर वी में, और एल और वी में, इन चार भागों में हृदय को विभाजित किया गया है। गत प्रेरक या पेसमेकर जिसे कहते हैं, किसे कहते हैं, सा नोड को कहते हैं, ठीक ना, या आर ए में स्थित होता है, किसमें स्थित होता है, पेसमेकर आर ए में स्थित होता है। यहीं से दिल की धड़कन उत्पन्न होती है, आर ए में दिल की धड़कन उत्पन्न होती है, नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट, पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था किसने, पहला ऑप्शन है डी एस पेंटल ने, बी ऑप्शन है सी एन बर्नार्ड ने, डी सी ऑप्शन है डी सेट्टी ने, डी ऑप्शन है पी के सेन ने। आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का, बिल्कुल सही उत्तर होगा, ध्यान दीजिएगा, पी के सेन ने, किसने, पी के सेन ने, इम्पोर्टेंट। पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण सी एस बर्नार्ड जी ने किया था, जैसे सभी लोग जानते हैं, बताया गया। तो ध्यान दीजिएगा आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, पहला सफल प्रत्यारोपण किसने किया था, सी एन बर्नार्ड ने, किसने, सी एन बर्नार्ड ने, क्षमा चाहता हूँ, डी नहीं होगा, बी होगा। नेक्स्ट, ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है, मस्तिष्क को, हृदय को, दूसरा ऑप्शन तीसरा फुफ्फुस को, डी ऑप्शन ब्रिक को। क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान दीजिएगा, आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा ब्रिक, बिल्कुल सही होगा। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक प्रकार का चिकित्सीय परीक्षण है जो हृदय की गतिविधि को दर्शाता है। हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान क्या कहा जाता है, पहला ऑप्शन है कार्डियोलॉजी, दूसरा ऑप्शन है कार्डियोबायोलॉजी, सी ऑप्शन है हीमोटोलॉजी, डी ऑप्शन है हेपेलॉजी। तो ध्यान दीजिएगा, हृदय और बीमारी संबंधित विज्ञान क्या कहा जाता है, कार्डियोलॉजी। मोस्ट बेसिक इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार पूछा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट कर सकते हैं। पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं, पीडीएफ का शुल्क मात्र 20 रुपये लिया जा रहा है, 20 रुपया ज़्यादा नहीं होता, फ्यूचर बन जाएगा। अगर आपका क्वेश्चन, दो चार क्वेश्चन भी मिल जाते हैं, एक भी क्वेश्चन मिल जाए तभी तर जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन से भी लोग बाहर होते हैं। पीडीएफ ज़रूर खरीदिएगा आप लोग। नेक्स्ट,
दिल का दौरा किस कारण होता है? ध्यान दीजिएगा, दिल का दौरा किस कारण होता है? तो दिल का दौरा किस कारण होता है? तो ध्यान दीजिएगा, दिल का दौरा हृदय में रक्त की आपूर्ति नहीं हो पाती है तब होता है। सी ऑप्शन आपका सही होगा। जानकारी के लिए बता दूं, हृदय तथा उससे संबंधित बीमारियों का अध्ययन किस में किया जाता है? कार्डियोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। कार्डियोलॉजी में हेप्टोलॉजी के अंतर्गत यकृत, एक एक्स्ट्रा मैं बता दे रहा हूँ, हेप्टोलॉजी के अंतर्गत किसका? यकृत का। अब पित्ताशय तथा अग्नाशय और उससे संबंधित बीमारियों का किस अध्ययन किया जाता है? हेप्टोलॉजी लिख दें, हेप्टोलॉजी के अंतर्गत किसका किसका किया जाता है? यकृत, पित्ताशय अग्नाशय, इन संबंधित बीमारियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, न्यूरॉन क्या होता है? न्यूरॉन क्या होता है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। न्यूरॉन क्या होता है? पहला ऑप्शन है ऊर्जा की आधारभूत इकाई, दूसरा ऑप्शन रेडियोधर्मिता के दौरान निर्मुक्त कण, सी ऑप्शन न्यूट्रॉन के प्रतिकण, डी ऑप्शन तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई। ध्यान दीजिएगा, न्यूरॉन क्या होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा, आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा डी ऑप्शन, तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई। नेक्स्ट, मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा मेंडुला आवलोंग गेटा, सी ऑप्शन आपका सही होगा, मेडुला आवलोंग गेटा, सी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा तंत्रिका, तंत्रिका में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लीजिए सभी लोग, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। डी पार्मा ई ग्रुप के जितने भी छात्र हैं ई ग्रुप के, नोट कर सकते हैं, ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कॉपी में नोट कीजिए सभी लोग। पीडीएफ प्राप्त करना है तो आप लोग 20 रुपये का शुल्क देना होगा, पीडीएफ आप लोगों को दिए गए नंबर पर, आपके बताए गए नंबर पर दे दिया जाएगा। नेक्स्ट, चेतन या सजीव जीव का मूल अभिलक्षण निम्नलिखित में से क्या है? श्वास लेने की क्षमता, प्रजनन की क्षमता, संचलन की क्षमता, खाने की क्षमता। तो जाहिर सी बात है, अगर सजीव है तो उसमें सांस पहली प्रथम दृष्टया में ही आए, सांस लेने की क्षमता। क्वेश्चन प्रभावी है इसलिए पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, श्वसन है आक्सीकरण, बी ऑप्शन अपचयन, सी ऑप्शन जल अपघटन, डी ऑप्शन एनीमीकरण। तो ध्यान दीजिएगा, आक्सीकरण, श्वसन क्या है? आक्सीकरण है। नेक्स्ट, श्वसन कैसी प्रक्रिया मानी जाती है? संश्लेषात्मक प्रक्रिया, बी ऑप्शन अपचयी प्रक्रिया, सी ऑप्शन आरोही प्रक्रिया, डी ऑप्शन तनुकरण प्रक्रिया। तो अपचयी प्रक्रिया आपका बिल्कुल सही होगा, अपचयी प्रक्रिया। श्वसन कैसी प्रक्रिया मानी जाती है? अपचयी प्रक्रिया मानी जाती है। नेक्स्ट, मानव के शरीर में सबसे लंबी कोशिका है? पहला ऑप्शन है तंत्रिका कोशिका, बी ऑप्शन मांसपेशी कोशिका, सी ऑप्शन है यकृत कोशिका, डी ऑप्शन विकृत कोशिका। तो ध्यान दीजिएगा, आपका तंत्रिका कोशिका होगा मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका, तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, जिसकी लंबाई कितना है? 90 सेंटीमीटर, नोट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट, सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आँख का अंग है? ए ऑप्शन कार्निया, बी ऑप्शन एक्सियस ह्यूमर, सी ऑप्शन लेंस और डी ऑप्शन काचाभ द्रव, जिसे विट्रियस ह्यूमर भी कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा इसमें सी लेंस, लेंस जो होता है सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक वाला आँख का अंग होता है। नेक्स्ट, एक आदमी 10 मीटर की दूरी साफ नहीं देख पाता, वह किस रोग से ग्रसित है? निकट दृष्टि दोष की, दूर दृष्टि दोष, मोतियाबिंद की, दीर्घवृत्त। तो आपका बिल्कुल सही, अगर दूर की वस्तु नहीं साफ दिखाई देती तो आपको मायोपिया हुआ का अर्थात निकट दृष्टि दोष हुआ है। कई बार प्रश्न में निकट दृष्टि दोष न देकर मायोपिया ही लिखा रहता डायरेक्ट हिंदी में, तो आप कन्फ्यूजन ना होइएगा, इसलिए मायोपिया यहाँ पर बता दिया गया है, आप लोग नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट, बुद्ध का केंद्र है क्या है? परमस्तिष्क में, बी अनुमस्तिष्क में, सी ऑप्शन मेडुला में, डी ऑप्शन थैलेमस में। तो ध्यान दीजिएगा,
आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा पर मस्तिष्क में, 25 का ए हो जाएगा। फिर उसके बाद मुख्यतः इसकी उपस्थित के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है। ए ऑप्शन दृढ़ इच्छा शक्ति, बी ऑप्शन दृढ़ पेशी विन्यास, सी ऑप्शन मजबूत कंकालीय प्रणाली, डी ऑप्शन कोशिकाओं में तरल। तो ध्यान दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दृढ़ पेशी विन्यास आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा, मुख्यतः इसकी उपस्थित के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी कुचला रहता है, तो दृढ़ पेशी विन्यास के कारण। नेक्स्ट, जब कोई व्यक्ति रोता है तो इसके सक्रियण के कारण नाक से जल विसर्जन होता है किसके? ए ऑप्शन है थायराइड ग्रंथ, बी ऑप्शन अंतरस्रावी ग्रंथ, सी ऑप्शन लाला ग्रंथ, डी ऑप्शन अश्वकारी ग्रंथ। तो डी ऑप्शन आपका सही होगा, अश्वकारी ग्रंथ के कारण ही जब कोई रोता है तो सक्रियण के कारण नाक से क्या होता है? जल का विसर्जन होता है, अश्वकारी ग्रंथ के कारण। नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर अब चलते हैं। वर्णांध व्यक्ति है कैसा? दूर की चीज़ें नहीं देख पाता, बी ऑप्शन काला रंग नहीं देख पाता, सी ऑप्शन कुछ रंग नहीं देख पाता, डी ऑप्शन है कुछ रंगों के बीच विभेद नहीं कर सकता है। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा, कुछ रंगों के वर्णांध जिसे कलर विजन भी कहते हैं, तो कुछ रंगों में ही विभेद नहीं कर पाता, बाकी सभी रंगों में क्या होता है? विभेद कर लेता है। ईसीजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? ए ऑप्शन है फेफड़े, बी ऑप्शन है नहीं पहला ऑप्शन है हृदय, बी ऑप्शन फेफड़े, सी ऑप्शन मस्तिष्क, डी ऑप्शन मांसपेशियां। तो आपका सी ऑप्शन आपका सही होगा, मस्तिष्क। नेक्स्ट, मानव चश्मे एक विशेष रंजक होता है जो यह निश्चित करता है कि किसी व्यक्ति की आंखें बर्भू नीली या काली होती हैं। वह रंजक निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? स्वच्छ मंडल जिसे कार्निया कहते हैं, बी ऑप्शन रक्त मंडल, सी ऑप्शन पर तारिका जिसे आयरिस के, डी ऑप्शन का चाप का है। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा, रक्त पटल आपका बी ऑप्शन आपका सही होगा। आप लोगों ने टॉप 30 प्रश्न देखे, ये सभी टारगेट प्रश्न थे। इसका PDF भी आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोगों को 20 रुपये का शुल्क फ़ोनपे या गूगल पे पेटीएम के माध्यम से किसी के माध्यम से आप लोग दे सकते हैं। आपको तुरंत आपके दिए गए नंबर पर 20 रुपये का शुल्क देने के उपरांत आपको PDF दे दिया जाएगा। यदि आप प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं, धर्म हिस्ट्री प्रैक्टिस सेट भी दिया जाने लगा है। प्रैक्टिस सेट डी फार्मा के छात्र, ग्रुप ई के E1 के छात्र काफ़ी तन्मयता से ध्यान दें। पिछली बार काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया और बच्चों ने प्राप्त किया, अच्छा नंबर पाए, सरकारी कॉलेज भी मिला। ऐसी स्थिति में इस बार भी इस तरीके का प्रावधान किया गया है, तो आप लोग 50 रुपये का PDF प्राप्त कर सकते हैं। कंजूसी मत कीजिएगा, फिर भविष्य का सवाल है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने 5 ग्रुपों में शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए आपका कितना सही था। साथ ही साथ जो चैनल पर पहली बार आए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब वहाँ करना जहाँ रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा रहता है, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त हो। इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सभी की उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।